केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि केसी त्यागी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संघर्ष के दिनों से साथ रहे हैं और पणखर वक्ता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन होने में बड़ी भूमिका त्यागी की रहती है। लेकिन त्यागी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस्तीफा देने का कारण क्या है, वजह क्या है। हालांकि जैसे ही इस्तीफा दिया, उसके फौरन बाद जेडीयू ने राजीव रंजन को प्रवक्ता नियुक्त कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर के वो एक अन्य मार्ग में मुलाकात कर गए। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं, जो पुराने साथी और सहयोगी हैं, उन्हें हटाया जा रहा है, उनको पार्टी से हटाया जा रहा है, इसलिए ताकि रास्ते खुलते रहे, बीजेपी और जेडीयू का अपना जो एक समन्वय है वो बरकरार रहे? तो दरअसल मसला यह है कि केसी त्यागी काफी दिनों से इंतजार में थे कि उन्हें राज्यसभा कम से कम भेज दिया जाए। दिल्ली में वो रहते हैं और दिल्ली में जेडीयू बीजेपी के बड़े नेताओं के दरमियान शाम को बैठकी होती है, भुजा पार्टी चलती है, चाय चलता है, राजनीति पे चर्चाएं होती है। लेकिन केसी त्यागी की उम्मीद उस वक्त टूट गई जब उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा को बीजेपी एनडीए ने अपनी तरफ से राज्यसभा भेज दिया। जब राज्यसभा भेजा तो त्यागी ने देखा कि अब तो कुछ बचा नहीं है, न तो अब विधान परिषद जाने का मसला हमारा रहा राजनीतिक तौर पर, और राज्यसभा की जो उम्मीदें थी वो तो टूटती चली गई। तो ऐसे हालात में नाराज होकर केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया और लोगों ने या मीडिया के द्वारा जेडीयू की तरफ से यह कहवाया गया कि अलग अलग मामले पर, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो या वक्फ संशोधन का मामला हो या कई तरह के मामले हैं जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो नहीं लेकिन बीजेपी की पर टिप्पणी केसी त्यागी ने किया है, पार्टी लाइन से हटकर के काम किया है, इसलिए इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि केसी त्यागी सियासी तौर पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने मीडिया में बयान भी दिया कि इतनी ज्यादा भीड़ है राजनीति में, सबको इच्छा है कि वो चले जाए राज्यसभा, वो चला जाए विधान परिषद, वो हो जाए विधायक, वो हो जाए एमपी, तो सबकी इच्छाएं सबकी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन केसी त्यागी के पार्टी से जाने का जो मामला है वो सीधे सीधे तौर पर साफ साफ यही है कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे लेकिन जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा भेजा नहीं, बीजेपी दोनों सीट ले गई, इसलिए त्यागी ने नीतीश का साथ छोड़ने का फैसला